नमस्कार, डेली न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस रद्द हुए मैच के बाद अब अगला मैच भारतीय टीम खेलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाले 22 तारीख से पहले आपको बता दें कि टीम इंडिया के कौन से खिलाड़ी खेल सकते हैं और किसका पत्ता हो सकता है गोल। तो आपको बता दें कि वनडे सीरीज में भारतीय टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा था। केवल एक मैच हारने के बाद टीम इंडिया ने पूरे सीरीज में हार का मुंह नहीं देखा। जी हाँ, 4-1 से रहा था। ऐसे में टीम इंडिया के वनडे टीम में बदलाव होना मुश्किल है। लेकिन आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा, जो शुरुआत के 3 मैचों में रखे गए थे, उनको भी दोबारा बाहर कर दिया गया था। ऐसे में जडेजा और अश्विन को फिर से नहीं मिल सकती है जगह, क्योंकि युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव ने किया है बेहतरीन प्रदर्शन। तो ऐसे में टीम में ज्यादा बदलाव की उम्मीदें कम हैं। बस ये माना जा सकता है कि अगर कोई दिक्कत होती है तो धोनी के बैकअप के रूप में दिनेश कार्तिक को शामिल किया जा सकता है। बाकी टीम में शिखर धवन, रोहित शर्मा और सभी भी ओपनर से लेके केदार जाधव का सभी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था। तो ऐसे में बैटिंग साइड में तो कोई बदलाव नहीं दिखते हैं। तो वहीं बॉलिंग साइड में भी हार्दिक पांड्या से लेके भुवनेश्वर कुमार ने बेहतरीन गेंदबाजी की है। तो ऐसे में टीम में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे।